नमस्कार दोस्तों, कविता बोल पर आपका स्वागत है। और आज हम कैफी आजमी साहब की एक नज्म नेहरू इस चैनल पर पढ़ना चाहते हैं। ये कविता या नज्म इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि एक तो कैफी आजमी साहब एक कम्युनिस्ट थे और वो नेहरू पर कविता लिख रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प है उस समय के राजनीतिक परिवेश में और पशुपेश में वो नेहरू को या अपने आप को नेहरू की जगह रख कर देखते हैं और फिर लिखते हैं कि नेहरू की मनस्थिति कैसी रही होगी उस वक्त। बड़ी ही दिलचस्प नज्म है, आइए सुनते हैं। मैंने तन्हा कभी उसको देखा नहीं, मैंने तन्हा कभी उसको देखा नहीं, फिर भी जब उसको देखा वो तन्हा मिला, जैसे सहरा में चश्मा कहीं या समुंदर में मीनारे नूर या कोई फिक्रे अवहाम में। फिक्र सदियों अकेली अकेली रही, जहन सदियों अकेला अकेला मिला और अकेला अकेला भटकता रहा। हर नए पुराने जमाने में वो बेजबां तीरगी में कभी, और कभी चीखती धूप में चांदनी में, कभी ख्वाब की उसकी तकदीर थी एक मुसलसल तलाश, खुद को ढूंढा किया हर फसाने में। बोझ से अपने उसकी कमर झुक गई, कद मगर और कुछ और बढ़ता रहा। खैर और शर की कोई जंग हो, जिंदगी का हो कोई जिहाद, वो हमेशा हुआ सबसे पहले शहीद, सबसे पहले वो सूली पे चढ़ता रहा। जिन तकाजों ने उसको दिया था जन्म, उनकी आगोश में फिर समाया न वो। खून में वेद गूंजे हुए और जबी पर फरोजा अजा, और सीने पे रक्षा सलीब, बेझिझक सबके काबू में आया न वो। हाथ में उसके क्या था जो देता हमें, सिर्फ एक कील, उस कील की एक निशान। नशाए में कोई चीज है, एक घड़ी दो घड़ी एक रात, और हासिल वही दर्द सर उसने जिंदा में, लेकिन पिया था जो जहर। उठ के सीने से बैठा ना इसका धुआं, उसने जिंदा में लेकिन पिया था जो जहर, उठ के सीने से बैठा ना इसका धुआं। शुक्रिया।